सो हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम पे रिसेंटली डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है गाइस। देख सकते हो गाइस, है ना गाइस, ये मेरे यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन कर लिए गाइस, और यहाँ पे मेरा रिसेंटली डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जिससे हम कोई भी वीडियो या फोटोज़ को हम रिकवर कर सके गाइस। जब भी हम वीडियो को और ऑडियो को जब भी हम वीडियो को और फोटोज़ को डिलीट कर देते हैं, तो गाइस आप लोगों को पर्सनल फोटो होते तो गाइस आप लोग रिसेंटली डिलीट में वो फोटो चले जाते हैं और वीडियोस भी चले जाते हैं, रील्स वाले वीडियो। तो गाइस आप लोग सोचते हैं कि मेरे में डिलीट कर दी, किस तरीके से वापस करते हैं, तो वो रिसेंटली डिलीट वाले फोल्डर में ही चले जाते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे वहाँ पे जाके आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। किस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलता था, यहाँ पे रिसेंटली डिलीट का ऑप्शन ही पहले भी देखने को मिलता था, लेकिन आप देखने को नहीं मिलता था। बाय द वे क्या होता है गाइस, आज की वीडियो में आप लोग यही बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम में रिसेंटली ऑप्शन नॉट शो किस तरीके से अनेबल करते हैं गाइस। तो गाइस आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है गाइस, तो गाइस आप लोगों वीडियो को ध्यान से देख लेना होगा। तो गाइस ज़्यादा टाइम गवाते ना हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। तो सबसे पहले गाइस मैं देख लेते हैं, मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। चलिए मैंने इसको मिनिमाइज़ कर लिया। मिनिमाइज़ करने के बाद गाइस आप लोगों को सबसे पहले गाइस आप लोगों को प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है। तो गाइस आप लोग सर्च बार में टाइप करना इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम सर्च बार में टाइप करना और यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। आ जाने के बाद गाइस आप लोग इंस्टाग्राम को देख लेना कि ये इंस्टाग्राम अपडेट कर दी और नहीं है, और अपडेट कर मांग रहा है तो आप यहाँ पे अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद गाइस यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद गाइस यहाँ पे फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेना है। फ़ोन की सेटिंग ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइस यहाँ पे देखने मिल रहा है ऐप मैनेजमेंट। अगर आपके जहाँ भी ऐप इंस्टॉल होते हैं वहाँ पे आपको आ जाना गाइस। जैसे कि मेरे यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट है, मैंने इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है गाइस। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं न्यू पेज ओपन हो चुका है गाइस। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देखने मिलता है ऐप सेटिंग्स, इस पर आप क्लिक कर लेना है। ऐप सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे कई सारे एप्लीकेशन शो होते हैं गाइस। देख सकते हो गाइस यहाँ पे कई सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं गाइस। तो गाइस आप लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम को देख लेना गाइस। अगर आपका इंस्टाग्राम यहाँ नहीं मिलता है तो गाइस यहाँ पे सर्च बार में आप लिख सकते हो। चलिए गाइस यहाँ पे लिख देते हैं। लिखने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो इंस्टाग्राम आ चुका है, मैं इसको कर लेती क्लिक। तो गाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है गाइस। तो गाइस यहाँ पे देख मिला परमिशंस, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है गाइस। तो गाइस यहाँ पे देख मिला कैमरा, इसको यहाँ पे इस तरीके अलाउ कर लेना। अगर यहाँ पे डैनी है यहाँ पे इस तरीके का, तो इसको इस तरीके का कर लेना, यानी कि इसको अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद गाइस यहाँ पे और देख लें कॉन्टैक्ट को भी, इसको भी अलाउ कर लेना। अलाउ अगर डैनी है तो उसको अलाउ कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे जो भी यहाँ पे परमिशन होती है उसको सबको अलाउ कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने सबको अलाउ कर लेते हैं गाइस। चलिए गाइस कर लिया मैंने, ऑलरेडी मैंने कर रखा है। और इसके बैक आ जाते हैं। बैक आ जाने के बाद गाइस यहाँ पे देखो मोबाइल डाटा एंड वाईफाई, इस पर आप क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देखो बैकअप डाटा, यहाँ पे इस तरीके का ऑफ है तो इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद नीचे साइड में देखने वाला यूज डाटा, यानी कि इसका ऑफ है इसको, तो इसको भी ऑन कर देना है। चलिए गाइस मैंने इसको ऑन कर दिया है। उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद गाइस यहाँ पे देख मिला स्टोरेज एंड चेक, इस पर आप क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे नीचे साइड में देख मिला क्लियर स्टोरेज, और दूसरे साइड में देख मिला क्लियर चेक। तो गाइस यहाँ पे क्लियर चेक कर लेना और क्लियर स्टोरेज भी कर लेना है। फिलहाल मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड नहीं जानता इसलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप करना चाहते तो कर सकते हो गाइस, ना गाइस। मैं इसको बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद गाइस आप लोगों को सबसे पहले मैं आप बैक आ जाता हूँ। बैक करने के बाद आपको सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन दोबारा से ओपन कर लेना है। चलिए गाइस यहाँ से मैं दोबारा से एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। बैक आ जाने के बाद सबसे पहले गाइस आप लोग इंस्टाग्राम एप्लीकेशन दोबारा से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है गाइस। लेना है ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है गाइस। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देखने मिला नीचे साइड में राइट हैंड साइड में, तो प्रोफाइल, इस पर आप क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है गाइस। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देखने मिला राइट हैंड साइड में थ्री डॉट, इस पर आप क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देखने मिला सेटिंग्स, इस पर आप क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन हो चुका है गाइस। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देखने मिला नहीं अकाउंट्स, इस पर आप क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है गाइस। तो गाइस आप लोग स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रिसेंटली डिलीटेड, है ना गाइस। देख सकते हो गाइस यहाँ पे देखने मिलता है रिसेंटली डिलीटेड। गाइस आप लोग यहाँ पे इस तरीके से आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो गाइस, इस तरीके से रिसेंटली डिलीट का ऑप्शन अनेबल कर सकते हो गाइस। तो गाइस आशा करता हूँ गाइस जो जानकारी आप जानना चाहते थे आपको मिल चुकी होगी। तभी आपको अपने इंस्टाग्राम में रिसेंटली डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे गाइस। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।